हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रिया क्रीम के बारे में। देख लीजिए, ये फ्रिया क्रीम है। तो आज इसका कंप्लीट रिव्यू हम जानेंगे कि इसको किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं और इसका सही यूज़ करने का तरीका क्या होता है, क्या इसमें कंटेंट ऐड किए गए हैं और क्या इसका मार्केट प्राइस होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जो ये फ्रेयर क्रीम है, अगर इसके हम कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें तीन कंटेंट ऐड किए गए हैं। एक है नंबर वन हाइड्रोक्विनोन है, ट्राइटिनोन है और मोमेंटोसोन। ये तीन चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो आज हम ये भी जानेंगे कि ये जो तीनों कंटेंट होते हैं, इनका कैसे वर्क करता है और क्या इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जब ये हाइड्रोक्विनोन की बात करते हैं तो इसमें ऐड किया गया है, एक मिनट, 0.5% वेट बाई वेट। तो हाइड्रोक्विनोन का जो वर्क होता है, ये स्किन लाइटनिंग मेडिसिन होती है, स्किन को लाइट करती है। जो जहाँ पर आपकी डार्क स्किन हो गई हो या फिर दाग धब्बे हो गए हैं, झाइयाँ हो गई हैं, वो उस जगह को ये लाइट बनाने का काम करती है। वहीं पे जब दूसरा कंटेंट के बारे में बात करते हैं ट्राइटिनोन की, तो ट्राइटिनोन जो होता है ये विटामिन ए का एक फॉर्म होता है, ये स्किन को रिन्यू करने का काम करती है। तो एक विटामिन ए जैसे आपका वर्क करता है, वैसे जो आपकी स्किन पहले से बेकार हो चुकी होती है वो पहले से रिन्यू करके सेम वैसे ही इसका वर्क रहता है। तीसरा जो कंटेंट होता है वो मोमेंटोसोन होता है। तो मोमेंटोसोन जो होता है ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड की तरह काम करती है। तो ये जो हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट करके ही ये स्किन पे जो रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, इचिंग हो रही होती है, उसको सही करने का काम करती है। और जो ये तीनों मिल करके पूरी तरह से जो वर्क करते हैं, इनका जो यूज़ होता है, वो आपकी स्किन पे झाइयाँ हो गई हों या फिर डार्क सर्कल हो गए हों या फिर किसी चोट का भी जो कटे का निशान होता है, किसी भी तरह के जो दाग धब्बे हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए ये फ्रेयर क्रीम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। जो इसके सही से यूज़ करने का तरीका होता है, तो इसको रात में यूज़ करना चाहिए, सनलाइट में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सनलाइट में यूज़ करते हैं तो इससे कुछ इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि आपकी स्किन किस टाइप की है ये डॉक्टर डिसाइड करता है, और आपको ये क्रीम सूट करेगी या नहीं ये भी आपको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर के सलाह के अगर आप यूज़ करते हैं तो हो सकता है कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाए। अब जान लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो जो ये फ्रेयर क्रीम है, तो इसके जो मेनली साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो स्किन पर आपको रेडनेस दिख सकती है, मून लाइक फेस हो सकता है, स्वेलिंग टाइप से भी थोड़ा सा लग सकती है। और जो लोग बहुत ही लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ करते हैं तो उनके फेस पे या अफेक्टेड एरिया पे एक्स्ट्रा कुछ हेयर ग्रोथ हो जाती है, जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो सकती है, और लगातार यूज़ करने से वहाँ की स्किन भी पतली हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको लंबे समय तक आप यूज़ ना करें, जितना आपको ज़रूरत हो डॉक्टर से सलाह कर लें उतने टाइम तक के ही उसका यूज़ करें। और जो यूज़ करने का से पहले आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो आप अफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश कर लें, हैंड को अपने वॉश कर लें, फिर उसको अप्लाई करने के बाद में दोबारा हैंड वॉश करके तभी इसको रखें। और जो इसको रखने का टेम्परेचर होता है तो बिलो द 30 डिग्री आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी फ्रेयर क्रीम के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।